इस बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि खेरसॉन में दो का जो हेलीकॉप्टर उसने मार गिराए हैं। यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। खेरसॉन में रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूक्रेन जो लगातार पलटवार कर रहा है, उसने ये बड़ा दावा किया है कि उसने अब रूस के दो हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। खेरसॉन इलाके में ये दोनों हेलीकॉप्टर्स उसने मार गिराए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी में। इस्लामी कट्टरता फैलाने वाले आतंकवादी संगठन अल शबाब ने दो धमाके किए, 100 लोगों की जान चल गई। दावा सोमालिया की सरकार ने किया, जिसके बाद सोमालिया की सरकार ने कहा है कि वो अल शबाब से नहीं डरेगी और इस्लामी कट्टरता फैलाने वाले आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ लड़ती रहेगी। आतंकवादी संगठन अल शबाब सोमालिया। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मैं वैसे ही सरकार बनाना चाहता है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में बनाई थी। खबर है कि सोमालिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए अल शबाब ने अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान भी भेजा था, जहां उन्हें तालिबान से ट्रेनिंग मिली, जिसके बाद इस्लामी कट्टरता फैलाने के लिए करीब 15,000 आतंकवादी तैयार किए गए, जिनमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया। उन्हें सोमालिया में इस्लामी कट्टरपंथ के नाम पर आतंक फैलाने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि ये संगठन सोमालिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहता है, मतलब एक ऐसा देश जहां 100% काम इस्लाम धर्म के नियम कायदे से हो। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक बार फिर इस संगठन ने सोमालिया की राजधानी को हिलाकर रख दिया। एक दिन पहले हुए इन धमाकों में करीब 100 लोगों की जान गई, जिसके बाद सोमालिया की सरकार ने इसके लिए आतंकवादी संगठन अल शबाब को जिम्मेदार ठहराया और इसके खिलाफ लड़ते रहने का ऐलान किया। इस्लामी कट्टरता फैलाने वाला यह आतंकी संगठन करीब 15 साल से सोमालिया में सक्रिय है। और सोमालिया की सरकार ने राजधानी मोगादिशु में हुए धमाके के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। इन धमाकों की जो तस्वीरें आईं, उनसे पता चलता है कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त था, क्योंकि थोड़ी देर तक धमाके वाली जगह पर सफेद धुएं के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। या यूं कहें कि दो कारों में हुए धमाके ने मोगादिशो के नीले आसमान को सफेद कर दिया, और जब धुआं छटा तो सड़क पर चिथड़े बिखरे पड़े थे। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि बर्बादी की इन तस्वीरों में उन 100 लोगों के शव भी हैं जो ब्लास्ट में मारे गए, और जो लोग बच सकते थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोमालिया की सरकार ने दावा किया कि इस ब्लास्ट में करीब 300 लोग घायल हुए, और ये सब हुआ वहां सक्रिय आतंकवादी संगठन अल शबाब की वजह से, जिसने मोगादिशु को एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह दहलाया है। इस बार हुए ब्लास्ट की तुलना तो वहां 5 साल पहले हुए धमाकों से की जा रही है, क्योंकि उस वक्त भी इस बार की तरह कार में बम रखे गए थे, जिन्होंने फटने के बाद 500 मासूम लोगों की जान ले ली थी। हालांकि इस बार ये आंकड़ा 100 है, लेकिन सोमालिया की सरकार को इसके बढ़ने का डर है, क्योंकि सैकड़ों लोग घायल भी हैं।